उदयपुर में कन्हैया के शुद्ध दिन पर कल खंडेलवाल धर्मशाला में शाम 4 से 5 बजे तक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। वहीं व्यापारी रमेश जुनेजा ने बताया कि उदयपुर में कन्हैया के 12 दिन यानी शुद्धि दिन पर कल खंडेलवाल धर्मशाला में शाम 4 से 5 बजे तक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के सभी व्यापारी भाई कन्हैया की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और शुक्रवार को सभी व्यापारी की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। 28 तारीख को उदयपुर में जो हमारे व्यापारी भाई कैलाश जी साहू टेलर की निर्ममत्या हुई थी, कल उनका 12वां है शुद्धिकरण है। कल 12वें पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से खंडेलवाल स्कूल अलवर शहर के अंदर उनके लिए बैठक रखी है। बैठक कर प्रार्थना करेंगे और एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसमें शहर के सभी व्यापारीगण भाग लेंगे और आम जनता भी जो भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहे आकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। साथ ही हमने सभी तहसीलों पर तहसील स्तर पर सभी अपने कन्हैयालाल जी साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और सभी तहसीलों को हमने सूचना कर दी है, क्योंकि एक साथ पूरे ज़िले के अंदर ये एक व्यापारी को हमारा जो व्यापारी भाई मरा है उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। आप घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो ये घटना हुई है, जो नहीं घटना तो अब जो घटी है सबके सामने है, ये अच्छी बात नहीं है। भाईचारा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सभी जाति के लोग रहते हैं और आपस में भाईचारा बना के रखें। इस तरह का जो घटनाएं करते हैं आतंकवादी की तरह, जब किसी भी जाति का हो वो एक अच्छी बात नहीं है। आपको क्या लगता है अगर प्रशासन इनकी मदद करता तो ये घटना नहीं होती? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर प्रशासन सही समय पर मांग इनकी मदद करता तो ये घटना नहीं घटती। और आपने देखा होगा कि घटना के दूसरे दिन ही हमने मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन दिया था और उसमें हमने मांग की थी इस संबंधित जो भी पुलिसकर्मी हैं लापरवाही की है उनको निलंबित करें और उनके बच्चों को नौकरी दें, साथ मुआवजा दें। मैं मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जाकर के मिले भी परिवार से, 51 लाख रुपये नकद भी दिए, साथ में 2 बच्चों को नौकरी भी दी। मैंने एक चीज़ देखी है राजनीति के अंदर, कुछ नेता होते हैं कहते कुछ है होता कुछ है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, एक व्यापारी के साथ जो घटना घटी जाकर के 2 बच्चों को नौकरी भी दी और 51 लाख का चेक भी दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को व्यापार महासंघ की ओर से।